एक फ्रांस लेदर बोलते हैं, एक ब्रांड है स्कर्ट, अच्छा, जिसमें 54,000 उसका कीमत है, लेकिन मेरे यहाँ 12,000 रुपए। वेलकम बैक टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद से आज मैंने ब्लॉग शुरू किया है और आशा करता हूँ आने वाला दिन में आप लोगों को मेरे ढेर सारे ब्लॉग मिलेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश करना चाहूँगा, विश यू मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर। ये आने वाला नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारा एक्साइटमेंट हो, ढेर सारी खुशियाँ हो और बहुत प्यार मिले आपको अपनों का। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ बहुत स्पेशल जगह और इसका नाम है धारावी। जी हाँ, धारावी मुंबई का माहिम के जो सबसे बैक साइड का स्लम्स एरिया है उसको बोलते हैं धारावी। एंड वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे पॉपुलर चीज़ है वहाँ पे, वो है लेदर फैक्ट्री। एक्चुअली आज मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है दानिश, वो मेरा ओल्ड रूममेट रह चुका है और मैं आज उसके साथ जाऊँगा। एक्चुअली उसे लेदर की जैकेट लेनी है और वहाँ पे लेदर की बहुत अच्छी फैक्ट्री भी है, तो मैं चाहता हूँ वहाँ के लेदर फैक्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, धारावी को एक्सप्लोर करूँ, वहाँ की जो स्लम्स एरिया उसको एक्सप्लोर करूँ। और दूसरी बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊँगा माहिम से ऑटो पकड़ूंगा धारावी के लिए, वहाँ पे जाके फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ के लेदर फैक्ट्री के बारे में, लेदर जैकेट के बारे में, वहाँ पे क्या प्राइसेस है, वहाँ की क्या क्वालिटी है, वहाँ की स्पेशल चीज़ क्या है, वो सब मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे पहुँच के। तो दोस्तों, यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊँगा रेलवे स्टेशन से माहिम से धारावी। सो कम ऑन, लेट्स गो। सबको हाय बोलो। जी हाँ, यही मेरा फ्रेंड है दानिश, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मेरा इंट्रोडक्शन था उसमें। और अभी हम दोनों जाएंगे कहाँ पे? धारावी। और मैं आपको सबसे स्पेशल चीज़ बता दूँ, धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के उतरा हूँ और आपको इसमें जाना पड़ेगा धारावी के लिए। इसमें उतरने के बाद आप यहाँ से लोकल ऑटो ले लो या बस ले लो, उसमें डायरेक्ट धारावी को जाती है। अप्रोक्सीमेट 10 मिनट लगता है यहाँ से जाने में। अभी जस्ट उतरे हैं, अब यहाँ से खोज हमारी शुरू होती है लेदर मार्केट की। एक्चुअली जब ऑटो से जा रहे थे तो लेदर का मार्केट तो बहुत सारा दिखा, बहुत सारा शॉप दिखा, बट एग्जैक्टली उनमें से बेस्ट कौन है वो थोड़ा पता करना मुश्किल लग रहा है, बट शुरुआत यहाँ से करें। अभी एक शॉप आया था, भाई आप बताइए शॉप का नाम। कम्फर्ट लेदर, ये धारावी में है कम्फर्ट लेदर। अभी शॉप में आया है जैकेट लेने के लिए, जो दानिश को लेना है, मेरे फ्रेंड को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना चमचमाता हुआ शूज़ है, और जितने भी यहाँ पे शूज़ है, जैकेट है, सब मेड इन, सब लेदर से बना हुआ है। इसमें नो रैक्सिंग, कोई मिलावट नहीं, आपको प्योर लेदर। अच्छा सर, ये टोटल प्योर लेदर का ही बनता है या इसमें रैक्सिंग भी मिक्स करते हैं? मिक्स नहीं होता है, मिक्स नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट प्योर लेदर है, मिक्स होने का सवाल ही कोई नहीं होता है। लेदर है तो पूरा लेदर है, नहीं तो पूरा लेदर नहीं, मिक्स नहीं होगी, जैसे लेदर है खा। देख रहे हैं, जैसे भैया बता रहे हैं ये प्योर लेदर है, इसमें जरा सा भी मिक्स आपको नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक बजट में आपका आता है प्राइस, वो बजट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी। ऐसे भी आपका बेटर बेटर होगा, आप लोग ऑर्डर भी लेते हैं? आप लोग ऑर्डर भी लेते हैं? या आप 8 घंटे में आपको आपका बैटरी सबसे बना देगा, 8 घंटे में। तो यहाँ की फैसिलिटी इतनी फास्ट है, अगर आपको अपना ऑर्डर करना हो, कोई नया पैटर्न हो जो आपको पसंद हो, अगर आप उसको ऑर्डर देते हैं तो आपको 8 घंटे के अंदर बना के तैयार करके आपको दे दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। ये बहुत ही खासियत है, 8 घंटे, इट्स वेरी टफ, 8 घंटे में आपको कोई जैकेट बना के दे रहे हैं। सो यहाँ की बेस्ट क्वालिटी है। ऑनलाइन पे जाता है सी कम्फर्ट।
अमेजन फ्लिपकार्ट नाउ यू कैन सी कम्फर्ट ये आपको वेबसाइट पे मिलेगा कौन सा अब एक बार दिखा दीजिए कम्फर्ट लेदर आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा इसका और इसकी जिस साइड में मिलेगा हमारा आप देख लीजिए एक बार हाँ और इसकी खासियत ये है ये कितने प्राइस तक का आता है ये जूता आपको समथिंग 1400 वेरी चीप बात नहीं बनी जिस कारण मुझे दूसरे शॉप में आना पड़ा अब मैं यहाँ के बारे में आपको कुछ दिखाता हूँ ये जो हमारे भाई साहब है सर आपका नाम क्या हुआ जहांगीर साहब यहाँ पे मैक्सिमम कितने तक का लेदर और मिनिमम कितने तक का है 3000 से स्टार्टिंग है लेदर में 10000 तक है अच्छा 10000 तक है कम लेदर में ओरिजिनल लेदर में कम से कम 3000 तो लेदर मिक्स साइड में नहीं मिक्स नहीं आता है वो अगर कोई दुकान वाला बोलता है तो वो गलत बोलता है अभी जैसे मेरे इसमें कैसा है स्वेट लाइनिंग है तो ये थोड़ा कॉस्टली आता है तो ये कम से कम 3000 तक आएगा और उसके बाद में देख लीजिए ये कैसा आता है जो इन साइड में क्लॉथ रहता है 428 तक आता है 2800 तक ऊपर से तो लेदर रहेगा बट इन साइड में ऐसा पॉलिएस्टर लाइनिंग और मेरा कैसा ऑनलाइन पे जाता है और मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है मेरा पेयर ब्रांडेड है रजिस्टर्ड ब्रांड है ऐसा मेरा जाता है अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे पेटीएम पे भैया का ये कार्ड है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है अगर इसको इसको आप ठीक से देख लो अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना हो बुक कराना हो या आप अगर कोई डिजाइन अपना आपको तो ऑर्डर पे आपको बन जाएगा फ्री में कुरियर हो जाएगा आप कुरियर भी आपको ओके तो ये आप देख लीजिए नोट कर लीजिए इसको ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन सब पे आपको पेटीएम पे भी मिल सकते हैं खुद का वेबसाइट आप वहाँ से ले सकते हैं और एक चीज जाननी है यहाँ जो आपका शॉप है कितना पुराना है मुझे ये मैं यहाँ पे इस जगह पे 13 साल से 13 ईयर्स भैया का यहाँ पे शॉप 13 साल से है तो झिझक आके आप ले सकते हैं लेदर में आपको जरा सा भी शिकायत नहीं है एकदम जो लेदर रहेगा उसको लेदर बोल कर दूंगा जो नॉन लेदर है वो नॉन लेदर बोल के दूंगा बहुत ऐसे शॉप में है जो नॉन लेदर को लेदर बोल कर देते हैं वैसा नहीं है अगर मेरा मैं ऐसा अगर करूंगा तो 1000 गुना पैसा मैं रिटर्न कर सकता हूँ क्योंकि हम झूठ बोलकर नहीं देते मैं मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है इसलिए मैं मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है एक बात बताए जैसे ये जैकेट है कैसे इसको परखा जाए लेदर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है लेदर में कहीं ना कहीं दाग धब्बा आपको मिलेगा क्योंकि एक बात बताता हूँ देखिए लेदर है ना इसमें छोटा स्किन आता है ऐसे ऐसे ऐसा स्किन कम से कम 10-15-12 साइज के ऊपर डिपेंड करता है उसमें मेल्टिंग करके और उसके बाद बनता है और जो फोम का जैकेट है फोम का जैकेट ये देखिए आप जैसे ये फोम का जैकेट है तो ये जैसा अपना शर्ट आता है ना उस टाइप का शर्ट का जैसे कपड़ा आता है उस टाइप का ये रहता है तो ये फोम बिल्कुल एक सलीका है अच्छा वो समझ सकते हैं कि ये नॉन लेदर है ऐसा बाकी जो ओरिजिनल लेदर रहेगा वो इतना ही छोटा छोटा एक जानवर का स्किन आता है कम से कम 10-8 एक जैकेट बनाने में अच्छा। स्किन लगता है इसलिए थोड़ा 19-20 वो रहेगा ओरिजिनल लेदर जो रहेगा उसमें 19-20 रहेगा ही रहेगा एकदम क्लीन नहीं दिखेगा तो ये था ओरिजिनल लेदर की पहचान जो भैया ने भी बताया मुझे नहीं बहुत ऐसे आदमी बोलते हैं कि यूट्यूब पे बहुत ऐसे ब्लॉगर है जो ये डाले हुए कि लेदर नहीं जलता है लेकिन अपने माइंड से आप सोचो लेदर क्या रहता है एक जानवर का स्किन रहता है अगर ये मेरे स्किन है इसको जलाएंगे तो जलेगा ऑफकोर्स ये है कि लेदर जल्दी नहीं जलता है लेदर सिकुड़ता है बट जलता तो लेदर भी है लेकिन फोम में जैसे ही आप माचिस मारेंगे वो वहाँ पे होल हो जाएगा लेकिन लेदर में ये चीज नहीं यही अफवाह मैंने भी सुनी है जो लेदर की अगर आपको पहचान करनी हो तो उसमें आग लगा के देखो नहीं नहीं ये सब बकवास है ये सब रॉन्ग है जो भी अगर ऐसा यूट्यूब पे डाला है ये सब गलत बात है चलने के लिए तो आग को भी देखते हैं कितना लाल हो जाता है ये स्किन लेदर मतलब क्या है एक जानवर का स्किन हो गया तो अभी मैं ये सामने आपकी ओरिजिनल स्किन है बोलिए मैं इसको काफी देर तक आग लगाऊंगा ये भी जल जाएगा लेकिन हाँ ये इसमें बहुत ऐसे मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा हूँ जिसमें लिखता है कि लेदर को जलाओ घूमना भी जलाओ नहीं जलेगा वो सब रॉन्ग है वो सब बकवास है जलता है बट लेट जलता है ये लेदर सुकुड़ता है और फोम में तुरंत उसी वक्त होल हो जाता है लेकिन लेदर में नहीं होता है
ये फ्रांस लेदर बोलते हैं, एक ब्रांड है स्कर्ट। अच्छा, जिसमें 54,000 उसका कीमत है, लेकिन मेरे यहाँ 12,000 रुपए का है। उसका क्या प्राइस है? 12,000 का है। 12,000 का, 12,000 रुपए का। इसमें कलर आ जाएगा ब्राउन, ब्लैक, तीन चार कलर आ जाएंगे, लेकिन ये कैसा है, लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। भाई बड़ी तो देखने में बहुत हेवी लगता है, देखने में वेट है, वेट तो बहुत है। और मेरे जैकेट में जो भी मेरे शॉप का जैकेट रहेगा उसमें ये मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है, ये लेबर मेरे जैकेट में एकदम 100% रहेगा ही रहेगा। अच्छा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी मेंशन किया हुआ है 100% जेन्युइन लेदर, ओरल मुंह से बोलकर नहीं कि हाँ ये लेदर, ऐसा नहीं, मतलब लिखित तौर पे हमारे लेबर लगा रहेगा, 100% जेन्युइन लेदर ही रहेगा। ओके, अलग अलग क्वालिटी आ जाते हैं, जैसे ब्लैक लेदर में लेंगे तो ब्लैक लेदर में थोड़ा कम प्राइस का आ जाएगा, 26-27, लेदर पे डिपेंड करता है। जैसे शर्ट का कपड़ा होता है 200 रुपए भी मीटर आता है, 500 रुपए भी मीटर आता है, 1,000 रुपए भी मीटर आता है, उसी तरह लेदर होता है। लेदर कम से कम अगर जाएंगे तो 2,500 के नीचे पॉसिबल नहीं, एकदम घटिया लेदर लेंगे तो, और थोड़ा मीडियम लेदर लेंगे तो 3,000 तक एकदम मतलब अच्छा आ जाएगा, उसके आगे 4,000-5,000 तो वो बहुत ही अच्छा लेदर आ जाएगा। ऐसा है, ऑनलाइन जो लेदर जैकेट बिकती जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में दूसरी कंपनी का, तो वो कितना जेन्युइन होता है? वो 100% जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं वो 100% जेन्युइन लेदर ही रहता है। अच्छा। बट वहाँ पे प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें उनका कमीशन रहता है बहुत। अच्छा। और वहाँ पे वो लिखे हुए रहता है कि फ्री डिलीवरी, लेकिन वो डिलीवरी फ्री नहीं रहता है, उसको कस्टमर से वो पैसा वसूलता ही है, डिलीवरी चार्ज वो वसूलता है, जो हम लोग रेट लगाते हैं उसमें उसका कमीशन भी रहता है। तो प्राइसिंग बढ़ने का रीजन एक ये भी है, जो क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं जिसका सबका कमीशन बनता है, इसलिए प्राइस ज्यादा हो जाता है। तो शायद आप लोग समझ सकते हैं जितना प्राइस वेबसाइट पे आपको ज्यादा क्यों दिखती है, इसके पीछे कुछ वैलिड रीजन है। अगर आप डायरेक्ट शॉप पे आते हो तो आपको प्राइस बहुत ड्रॉप हो जाती है, वेबसाइट से लेंगे तो भी प्राइस बहुत डिफरेंस रहेगा। मेरा वेबसाइट है www.payer.co.in, तो उस पे आकर लेंगे तो बेटर होगा। आप इसके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से लीजिए तो शायद आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। ये मेरा वेबसाइट है, देख लीजिए, वेबसाइट रहेगा, मेरे वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे प्राइस कम में आएगा, आपको 100% कम प्राइस रहेगा, बहुत का डिफरेंस रहेगा। तो फाइनली हमारे भाई साहब को लास्टली एक जैकेट पसंद हो गया, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इट्स रियली वेरी वंडरफुल और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिला है, जो अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए तो 5,000-6,000-7,000 इस रेंज में आपको मिलेगा। बट मैं वैसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा जो क्या प्राइस पड़ा, बहुत ही चीप पड़ा है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और भैया ने बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया हमें, इसके लिए थैंक यू। ये जैकेट फाइनली पसंद हुआ मेरे भाई को और यही ले रहे हैं, अब इसकी पैकिंग हो रही है, सुपर क्वालिटी। भाइयों, ये था लेदर मार्केट। वैसे तो शॉप यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारा है और सब में जाके रिव्यू करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, बिकॉज मैं लेट से निकला था तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो जैकेट भी दानिश भाई को पसंद आ गया, तो अब यहाँ से सीधे हम लोग घर की ओर निकलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये मार्केट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सस्ते में लेदर जैकेट चाहिए, शूज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये मार्केट आइए और आसानी से आप अच्छे सस्ते दाम में आपको मिल जाएगा। 4-5 दुकान घूमिए, आपको इजीली मतलब जो आपका कंफर्ट प्राइस है एक एवरेज प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस मार्केट में आके एक बार घूम लीजिए। जूस कॉर्नर, एक्चुअली भूख बहुत लग रही थी और आसपास कुछ खाने के लिए नहीं था तो सोचा जूस से काम चला लूं। एग्जैक्टली मौसमी जूस, या जहाँ भी आप देखो सिर्फ भी जगह सिर्फ एक ही शॉप नजर आएगा, लेदर शॉप, लेदर शॉप, लेदर शॉप, लेदर स्टूडियो, फरान लेदर, आर्च लेदर, नेशनल लेदर, मेहता लेदर, मतलब रोड के दोनों साइड आपको सिर्फ
लेदर का ही शॉप मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बॉम्बे का जो मैक्सिमम लेदर प्रोडक्ट बनता है वो आपको यहीं पे बनेगा। हाँ, आप लोग अपने बारे में कुछ बताओ। हमारे बारे में एक किताब हम सिखाएंगे। हम लोग एक सस्ता है, हमारे साथ एक लड़की है। तुम लोग का ग्रुप का नाम क्या है? माया गैंग। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है, आप धारावी के माया गैंग को दिखिए। यहाँ पे जितने सब माया के फ्रेंड्स हैं और मेन बॉस हमारा माया गैंग का मेन बॉस देखो मेन बॉस ये है हमारा सबसे बड़ा मेन पूरा महाराष्ट्र देखो और देखो किसी के साथ माया गैंग आपको कुछ झलक मिल गई होगी जो मैंने आपको पहले बताया था। जो धारावी और डोंगरई कितना ही खतरनाक है बॉम्बे में, तो यहाँ के बच्चे गैंग बनाए हैं। उस गैंग का नाम है माया गैंग और इसका मीनिंग मैं आपको बता दूँ। शूट लोकन वाला आपने मूवी देखा होगा जिसमें एक गोराई का नाम माया रहता है और आप सोचो उस माया से लोग इतना प्यार करते हैं जो अपने गैंग का नाम माया रखे हैं। तो ये है असर बॉम्बे का। दोस्तों जितने भी सारी चीज़ थी धारावी का लगभग मैंने आपको बता दिया है, खास करके लेदर मार्केट के बारे में स्पेशली मैं इसी को लेके यहाँ पे आया था वो मैं दिखा चुका हूँ आपको और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी आज का वीडियो। और लेदर से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मेरे भाई साहब यानी कि जिस सेकेंड शॉप में गया था वो जो आपको दिया होगा उससे आप थोड़ा बहुत ज़रूर कन्विंस हो पाइएगा सुनने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे वो सब आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा और आप उसको रेगुलर देख पाएंगे। तो इसके साथ ही आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।